हेलो गाइस, फ्लिप फ्लॉप जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए है। और कौन सा डेटा स्टोर करता है हमारे ये सर्किट में? प्रीवियस डेटा का आउटपुट स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। और फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा स्टोर करता है, फिर चाहे वो 0 हो या 1 हो, पर 1 बिट ही स्टोर करता है। आज हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देखेंगे। SR फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करता है देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए SRQN N+1 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी हम QN स्टेट नहीं ले रहे हैं, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट में अभी हम डोंट केयर कंडीशन यूज कर रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेट फाइंड करनी है। तो देखो SR फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है और उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेट कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन S=0 और R=0, ये है ना आपकी फर्स्ट कंडीशन S=0 R=0। जब S=0 है और R=0 है तब इसकी वर्किंग क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ हो गया S=0, यहाँ हो गया R=0 और यहाँ पे क्लॉक गिवन है। क्लॉक गिवन है इसका मतलब यहाँ 1 है, हमेशा 1 रहेगा, क्लॉक गिवन है तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो अब देखो 0 into 1 0 into 1, और ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो 0 into 1 0 हो गया और नैंड गेट का मतलब इस पे बार, तो 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर भी इसी तरीके से 1 हो जाएगा। अब ये जो है आपकी फीडबैक जा रही है ना, तो यहाँ से हमें 1 मिला, यहाँ से ये फीडबैक के लिए क्या जा रहा है, क्यू बाहर। तो 1 into Q bar, अब होल बार नैंड गेट है इसलिए होल बार, तो 1 into Q bar क्या हो जाता है, क्यू बार, और फिर क्यू बार का बार क्या हो जाएगा, क्यू। यानी कि वापस से हमें कौन सी स्टेट मिल जाएगी, क्यू। तो यहाँ पे हमें मिल गई क्यू स्टेट, मीन्स नो चेंज। जो हमारी नेक्स्ट डेट आई है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हम लेंगे सेकेंड कंडीशन जहाँ पर S=0 है और R=1 और क्लॉक तो 1 रहेगी, ठीक है, ये भी 0 है और ये 1। तो अब 1 into 0 0 और फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ क्या है, 1 into 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 0। अब यहाँ 1 गया तो ये 1 1 into Q bar, तो 1 into Q bar और फिर इसका बार, तो क्या हो जाएगा, 1 into Q bar Q bar और Q bar का कॉम्प्लीमेंट QN।
और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से गया जीरो और यहाँ से आया q, तो जीरो इंटू क्यू इक्वल टू जीरो, और फिर उसका बार, ये जो बार है ये आ गया आपका वन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्यू एन मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जैसे कि यहाँ पे ये है। तो अब हम ये वन यहाँ से फीडबैक में देंगे वन, ताकि हमें वैल्यू मिले। तो जब वन दिया, वन इंटू वन उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वन इंटू वन वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया जीरो। तो यानी कि जीरो वन पे हमें क्या मिल रहा है, तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है जीरो। नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रहा है हमें, जीरो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीरो, ठीक। हमें इस वाली कंडीशन पर वैल्यू मिलनी चाहिए, जो हम कंडीशन ले रहे हैं s इक्वल टू वन और r इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू वन और r इक्वल टू जीरो। तो वन इंटू वन वन, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया जीरो, तो यहाँ आ गया जीरो, यहाँ से गया जीरो, यहाँ से गया क्यू बार, तो क्यू बार इंटू जीरो क्या हो गया जीरो, और यहाँ क्या आ गया वन, यानी कि हमें क्या मिल गया वन। समझ रहे हो ना क्या कैसे कह रही हूँ, यहाँ से वन गया, यहाँ से वन गया, तो वन इंटू वन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो। ये जीरो यहाँ से गया, ये क्यू बार यहाँ से गया, तो जीरो इंटू क्यू बार का होल बार क्या हो जाएगा, ये क्यू बार इंटू जीरो जीरो हुआ, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया वन, यानी कि हमें, तो हमें मिल गया वन। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो मिल गया आप पे वन, वन जीरो पे हमें मिल गया वन। अब नेक्स्ट, तो अब हम लेंगे ये वाले स्टेट, यहाँ वन वन है, ठीक है, एस इक्वल टू वन और आर इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन और आर इक्वल टू वन। तो वन इंटू वन वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो यहाँ मिल गया जीरो, यहाँ भी वन मिल गया जीरो, तो जीरो और फिर क्यू बार, क्यू बार इंटू जीरो क्या हो गया जीरो, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया वन। अब यहाँ पे भी हमें वन मिल जाएगा, तो ये वापस हमें वन और वन मिल रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसको हम इनवैलिड स्टेट कहते हैं यहाँ पे, इसलिए इनवैलिड स्टेट आती है, इसलिए हम इसको इनवैलिड स्टेट कहते हैं कि वापस से हमें वन वन पर ही आ गए। देखो सबसे पहले हमें क्या मिला नेक्स्ट स्टेट में, क्यू, यानी कि प्रेजेंट स्टेट के थ्रू नेक्स्ट स्टेट देख रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम लिखेंगे नो चेंज। उसके बाद हमें मिला क्या जीरो, तो जीरो को हम क्या कहते हैं, यहाँ हमें मिला रीसेट। अब यहाँ वन मिला, इसका मतलब इसको कहेंगे सेट स्टेट, तो ये रीसेट है और ये सेट है और ये इनवैलिड है। तो इस तरीके से एसआर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग होती है, यहाँ से चेक करते रहेंगे, ये जो हमें गिवन है ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, इस प्रेजेंट स्टेट के थ्रू हम लोग नेक्स्ट स्टेट फाइंड करते जा रहे हैं।